press the bell icon on the YouTube app and never. हम 1947 से अगर properties को देखना start करेंगे और year wise अगर देखेंगे तो खरबों ऐसी प्रॉपर्टी है जो सनातन धर्म के मठ की है, मंदिरों की है, गुरुकुल की है, पाठशाला की है, और उसको लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड है उसने ग्रैब किया। और अब जब धीरे 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 पन्ने खुल रहे हैं, जब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है तो इनको दिक्कत होती है, और ASI से कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है। यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जो पूर्व चीफ थे के मोहम्मद साहब, राम मंदिर के रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से ही उनको 3 साल के लिए सिक्योरिटी देना पड़ा था और उनको नजरबंद करवाना पड़ा था। बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते थे तो उनको किसका डर था? हिंदुओं का डर तो नहीं था। उनका गला रेतने के लिए सर तन से जुदा का नारा तो मुसलमान ही लगा रहे थे, और किसके लिए लगा रहे थे? के मोहम्मद साहब के लिए लगा रहे थे। अब आज आपने भोजशाला सर्वे के बारे में जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो भोजशाला की सच्चाई को आप सबके सामने रखेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। पश्चिम बंगाल से आज के दिन पश्चिम बंगाल से नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। आप महाराष्ट्र का टूर करके वापस कोलकाता पहुंच गई हैं, तो ये बताइए कि ये जो भोजशाला वाला मामला है जिसमें कि 2000 पन्नों की ASI सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में रख दी गई है, उसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? मुस्लिम पक्ष को एतराज किस बात का? आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को लेकर के कोई नया बवाल तो अंजू जी है नहीं। हम 1947 से अगर प्रॉपर्टीज को देखना स्टार्ट करेंगे और ईयर वाइज अगर देखेंगे तो खरबों ऐसी प्रॉपर्टी है जो सनातन धर्म के मठ की है, मंदिरों की है, गुरुकुल की है, पाठशाला की है, और उसको लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड है उसने ग्रैब किया। और अब जब धीरे 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 पन्ने खुल रहे हैं, जब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है तो इनको दिक्कत होती है, और ASI से कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है। यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जो पूर्व चीफ थे के मोहम्मद साहब, राम मंदिर के रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से ही उनको 3 साल के लिए सिक्योरिटी देना पड़ा था और उनको नजरबंद करवाना पड़ा था। बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते थे तो उनको किसका डर था? हिंदुओं का डर तो नहीं था। उनका गला रेतने के लिए सर तन से जुदा का नारा तो मुसलमान ही लगा रहे थे, और किसके लिए लगा रहे थे? के मोहम्मद साहब के लिए लगा रहे थे। अब आज आपने भोजशाला सर्वे के बारे में तबसरा उठाया है और सुबह से काफी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को खोलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के भोजशाला को पहले समझना पड़ेगा। हिंदुओं के लिए यह मां सरस्वती का मंदिर है जो आज से नहीं, राजा भोज के जमाने से था, और मुसलमानों के लिए ये मजार और इबादत गाह माना जाता है। ठीक है, राजभोज ने इस मंदिर का निर्माण रखा था। अगर इतिहास के हिस्ट्री की किताब को आप उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको और सबको समझ में आ जाएगा कि उस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने किया था। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद उस मंदिर को मतलब डेवेस्टेट करने की, रुइन करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन मंदिर के ढांचे वो हिला नहीं पाया था, और हमेशा की तरह फिर से उसका ऊपर का वो मंदिर का तोड़ करके अपना टूम बैठाने का कोशिश हुआ था, जो अभी भी साफ समझ में आ रहा है। 1937 में मारका दीवान जी ने एक दिन के नमाज की जिद मुसलमानों ने पकड़ी थी, तो मारका दीवान जी ने उनको अनुमति दे दी थी कि ठीक है तुम एक दिन की नमाज पढ़ लो।
हालांकि 1937 में जब उन्होंने ये अनुमति दी थी, परमिशन दिया था, तो सिर्फ एक दिन का दिया था, बल्कि मंदिर के बाहर में जो मैदान हुआ था उसमें वो नमाज हुई थी, मंदिर के स्तर पर वो नमाज नहीं हुई थी। बल्कि उस निर्णय पर भी महासभा और आर्य समाज उस वक्त भी विरोध में था कि ये नहीं कीजिए, क्योंकि ये मुसलमान है, आप इनको अंगूठा पकड़वाएंगे, ये आपके सर पर बैठ जाएगा, और वो हुआ वही। उसके बाद फिर हालांकि ये विवाद चलता रहा और 1942 में खत्म किया गया। ठीक मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मस्जिद की जगह बना करके दी गई, और वो राजा का रहमत मस्जिद के नाम से आज भी वहां पर स्थापित है। आप जैसे ही 12 किलोमीटर इस भोजशाला से आप आगे बढ़िएगा, 12 किलोमीटर के बाद आपको एक राजा का रहमत नाम की एक मस्जिद मिलेगी, जो राजा ने ही दे दिया था कि ठीक है तुम अपने इबादत के लिए ये जगह ले लो और इसमें मस्जिद बना लो। अब उसके बाद क्या हुआ, 1977 और 78 में आ जाइए, जब कांग्रेस की सरकार सर पे चढ़ करके आर्टिकल 25 को तोड़ मरोड़ कर रही थी, आर्टिकल 28 का तोड़ मरोड़ कर रही थी, आर्टिकल 30 का तोड़ मरोड़ कर रही थी, और 42 ऐसे आर्टिकल्स को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके इन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी का फायदा उठाया और मुसलमानों की तुष्टिकरण की राजनीति को और मुसलमानों की जिहादी एक्टिविटीज को प्रोवोकेशन दिया गया कांग्रेस के जमाने में, उसी वक्त में 1977 और 78 की बात है कि एक मस्जिद कमेटी कांग्रेस के नेतृत्व में बनी, और उस मस्जिद कमेटी के सदर बने निसार अहमद साहब, और निसार अहमद साहब ने सारे मुसलमानों को प्रोवोक किया और भड़काया कि जब एक दिन हम वहां पर नमाज पढ़ चुके हैं तो वो अल्लाह के इबादत की बाधा, और इस्लामिक विक्टिम कार्ड खेल करके पहले निसार अहमद साहब ने सरकार से यह मनवाने की कोशिश की कांग्रेस की सरकार से कि आप घोषित कर दीजिए कि ये भोजशाला जो है ये हमारा है और इसमें हमारे मुगल लोग आकर के रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही थी कि अगर वो घोषित करती है तो बहुत बुरा हो जाएगा, और हिंदू समुदाय में उस वक्त हिंदू महासभा, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद और उस वक्त आर्य समाज ऑलरेडी राम मंदिर को लेकर के एक थोड़ी बहुत नोकझोंक चली ही रही थी, उसी सिनेरियो में भोजशाला का फिर से एक सिनेरियो या सरकमस्टांसेस बिल्कुल भी कांग्रेस लेने के कंडीशन में नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त निसार अहमद को कहा कि ग्रैब, और लैंड ग्रैब करने में तो मुसलमान बहुत आगे अहम भूमिका निभाते हैं, और निसार अहमद के नेतृत्व में और कांग्रेस के रोटी बोटी दे करके आराम से इसको इसमें भोजशाला में इन्होंने अपना अरबी में कुछ लिखवा दिया, अपने कर्टेन लगवा दिए, कहीं पर इन्होंने चिराग जलवा दिया, कहीं पर लांटेन जलवा दिया, अब मैं जोर जबरदस्ती आपके घर में घुस जाऊं और मैं कुरान की आयतों के फ्रेम लगा दूं, मैं जबरदस्ती दो चार नकाब डाल दूं, दो चार जनमाज रख दूं, चार पांच टोपियां रख दूं, 10-12 तस्बीह दाना रख दूं, और उसके बाद फिर मैं वक्फ बोर्ड वाले को बुलाऊं और मैं कहूं कि देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर तो तस्बीह दाना है, देखो यहाँ पर तो जानमाज मुसल्ला है, देखो यहाँ पर कुरान की किताब रखी हुई है, तो ये मेरा घर हुआ ना, ये तो मेरा ही घर है ना। अब आपका जो मान लीजिए कि एक लैंड ओनर है, वो आएगा और कहेगा हाँ यहाँ पर तो सारे इस्लाम की किताबें रखी हुई है, सारी चीजें रखी हुई है, नहीं अंजू पंकज ये तुम्हारा घर नहीं है, ये नाजिया इलाही खान का घर है। तो यही काम उस वक्त किया गया, और क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की पुलिस थी, कांग्रेस का सारा कुछ था, तो इसलिए निसार अहमद साहब अपनी स्ट्रैटेजी में एकदम सही से जीत गए और उनको सफलता हासिल हुई। लेकिन तब से कमालुद्दीन की मस्जिद बन गई जी। अब जो सिनेरियो अब क्या है, सिनेरियो ये है कि फिर वही हुआ है कि भैया ये पहले जैसे हम लोग अयोध्या का सुनते थे कि ये तो बाबरी मस्जिद है, इसके टुंब देखो, इसका किला देखो, इसके दरवाजे देखो, उसके बाद जब बिहाइंड द कर्टेन को उखाड़ करके निकाला गया तो अंदर से पान के पत्ते और सारी श्लोक और अध्याय निकलते चले गए। तो उसी तरीके से जैसे ही ASI ने इस पर सर्वे स्टार्ट किया, उसमें सारे श्लोक और अध्याय निकल रहे हैं, उसमें दिया के चित्र निकल रहे हैं, उसमें भगवान की मूर्तियां निकल रही है, उसमें उस जमाने में
जो चिराग जलाया जाता था, जो दीप जलाए जाते थे, उसके जो जालीदार जो दीवारें बनाई जाती थी, वो भी निकल के सामने आ रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं अंजू जी जो मुसलमान अपने घर में नहीं बनाता है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मुसलमान के घर में ही आपको मिलेगा, एट एनी कॉस्ट मिलेगा मुसलमान के घर में। आप अपने घर में जब मुझे इनवाइट कीजिएगा, आपके घर के कहीं ना कहीं एक जगह पर भगवान जी स्थापित होंगे। अब चाहे वो गणेश भगवान को आप माने, चाहे शिव भगवान को माने आप, लेकिन स्थापित होंगे, और वहां पर एक सजावट होगी। उसी तरीके से जब आप मुसलमान के घर आती हैं, तो मुसलमान के किसी ना किसी अलमारी के ताक के ऊपर मुसल्ला और जानमाज और रेहल रखा होता है, हर हाल में होता है। तो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी और जो घपला करने का जो तरीका जो अपनाया था निसार अहमद साहब ने, वो अब धीरे धीरे हिजाब खुलता चला आ रहा है। और ASI हमेशा से, क्योंकि मोहम्मद रहे या कोई और रहे, ASI हमेशा से ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट को सामने रखता है। ASI ने न्यायपालिका को यहां तक बताया है कि बहुत सारे दीवार में आयतें लिखी हुई हैं, बहुत सारे जगह पर मुसलमानों के जो नक्काशी होती है वो भी दिखाई गई है, लेकिन इंटीरियर एक होता है ऊपर से रखना, और जब इंटीरियर में हम आते हैं तो वो हिंदू धर्म के ही सारी चीजें मिलती हुई नजर आ रही। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बोधशाला की जो सच्चाई है उसको आपके सामने रखा, बल्कि ये शांति दूत कैसे हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करते हैं और लैंड माफिया का काम करते हैं, इसको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और उसमें आपको जानने को मिला है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।